जय सिया राम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का डिपॉजिट स्लिप। इसमें आप कैश भी डिपॉजिट कर सकते हैं और चेक भी डिपॉजिट कर सकते हैं। इसे मैंने फिल किया हुआ है, चलिए मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि किस तरह से इसे फिल करना है। ये वाला पार्ट मैं अभी फोल्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला पार्ट आपको बाद में फिलअप करना होता है, जबकि ये आपको कट होकर बैंक वाले आपको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला मेन पार्ट रहता है, ये वाला फॉर्म आपको फिल करना होता है जब भी आप डिपॉजिट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना डेट डालना है, जिस डेट में आप ये डिपॉजिट कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे लिखिए। मैंने आज का डेट यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, तो इसे आप यहाँ पे डाल दीजिए। अपना नेम एकदम कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिखिए, मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही ख़राब है, संभाल लीजिए आप। अपना जो फुल नेम है उसे यहाँ पर एकदम साफ साफ लिखिए। अपना जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर एकदम साफ साफ लिखिए, बिल्कुल भी काट कूट मत करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊपर एक ब्लैंक ब्लैंक दो ऑप्शन छोड़े हुए हैं, ये है माय अकाउंट विथ इस ब्रांच में, कौन सी ब्रांच में आपका अकाउंट है वो ब्रांच नेम, और आपका करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट, वो यहाँ पे आपको लिखना है। लेकिन अगर इन दोनों को आप नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए ये तीनों आपने फिल कर दिया। अभी नेक्स्ट, अगर आप चेक डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको ये वाला पार्ट यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, और अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट आपको फिल करना पड़ेगा। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ फिल करके रखा हुआ है, मैं आपको वो डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए डेनोमिनेशन है, डेनोमिनेशन का मतलब होता है कितने रुपए के वो नोट हैं, 100 के हैं, 200 के हैं, 500 के हैं, 1000 के हैं, कैसे वाले नोट हैं। ठीक है, 1000 के नोट तो वैसे भी है नहीं, 2000 के हैं, तो आपके फॉर्म में हो सकता है यहाँ पे 2000 लिखा हो और 500 और 100 के बीच में यहाँ पे 200 रुपए भी लिखे हों। ठीक है, तो जितने रुपए वाले नोट आपके पास जितने ठो हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। मान लीजिए 500 वाले नोट मेरे पास 10 ठो हैं तो हो गए वो 5000 रुपये, 100 वाले नोट यहाँ पे 20 ठो हैं तो हो गए मेरे पास 2000 रुपये। अब यहाँ पे देखिए 20 रुपये वाले नोट मेरे पास 5 ठो हैं तो मैंने यहाँ पे लिख दिए 100। ठीक है, 10 वाले नोट यहाँ पे 10 ठो हैं तो हो गए 100। कॉइन मान लीजिए मेरे पास 10 रुपये का है, कॉइन में यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है कि 5 रुपये वाला कॉइन, 2 रुपये वाला, 1 रुपये वाला, ऐसा कुछ डिटेल लिखना नहीं है। आपको बस टोटल लिखना है कि आपके पास टोटल यहाँ पे कॉइन कितने ठो हैं। तो 10 ठो कॉइन मेरे पास है, मतलब 10 रुपये वाले कॉइन हैं, तो यहाँ पे 10 आप लिखेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पे 10 लिखना यहाँ पे भूल गया हूँ, तो यहाँ पे आप डिटेल में 10 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए 10 वाले कॉइन 10 ठो, तो टोटल मेरे हो गए 7,520 रुपये। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ वर्ड्स में लिखनी है, 7,210 ओनली। पूरा डिटेल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखिए साफ साफ एकदम अच्छे से लिखिए। मेरा शायद ये पूरी तरह से साफ साफ नहीं लिखा हुआ है क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया और वैसे भी मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका सिग्नेचर करना है, ध्यान से रखिए आपका वही सिग्नेचर डालिए जो आपका बैंक में हो, और अगर आपका कोई और डिपॉजिट कर दे रहे हैं तो उनका सिग्नेचर यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, और डिपॉजिटर का नाम भी यहाँ पर चाहें तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि सिग्नेचर में पूरा नाम अच्छे से पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप डिपॉजिटर का नाम यहाँ पे डिटेल लिख सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि अगर कोई दिक्कत आई, मान लीजिए आप चेक डिपॉजिट कर रहे हैं तो चेक में अगर कोई दिक्कत आ गई तो इसी नंबर पे वो बैंक वाले कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है, ये नीचे वाला कुछ नहीं है, ये ऑफिस यूज़ के लिए है, वो लोग भरेंगे। मान लीजिए आप कैश डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, आप डिपॉजिट कर रहे हैं चेक, तो चेक में आपको यहाँ पे लिखना है कौन से बैंक का चेक है वो। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने SBI लिखा हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास SBI का चेक नहीं है, आपके पास है बैंक ऑफ इंडिया का या फिर एक्सिस बैंक का। ठीक है, तो एक्सिस बैंक का नेम यहाँ पे आप लिखेंगे और चेक का क्या नंबर है वो यहाँ पे लिखेंगे, उसे सीधे में लिख दीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए और जितना अमाउंट है वो यहाँ पे डालिए। जो जैसे ही मैंने 7,200 लिखा तो ये वाला तो कैश है नहीं, हम चेक डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इतने ही अमाउंट का मेरे पास चेक है तो यहाँ पे ये डाल दीजिए। ठीक है, और चेक नंबर के नीचे चेक का डेट भी डालिए, कौन से डेट में आपका ये चेक इश्यू हुआ है, चेक का डेट वो यहाँ पे आप डालिए। डालने के बाद अमाउंट लिख दिए और वही अमाउंट आपको यहाँ पे नीचे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखने के बाद इस वाले फॉर्म का पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी लिखनी है, डेट डालना है, आपका नेम यहाँ पे अच्छे से लिखना है। ठीक है, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे कैश है या चेक है वो लिखना है,
और फिर अमाउंट यहाँ पे डालना है। ये नीचे वर्ड्स वाला सेक्शन आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फिल कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का डिपॉजिट स्लिप, यानी कि डिपॉजिट फॉर्म। तो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं, या फिर कोई डाउट्स रह गए हों तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को। मुझे इस चैनल पे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप खुद ही देख पा रहे होंगे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले किसी और इन्फॉर्मेटिव से वीडियो में, तब तक के लिए जय सियाराम।